बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईदा है। मैं प्रोफेशनल फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो मेरी पेशेंट है ये 2021 की नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड विद मीडियम मेनिस्कस इंजरी की पेशेंट है बाय MRI। इन्होंने उस दौर में अपना इंजेक्शन भी लगवाया लेकिन उसके बाद भी इनकी बेहतरी नहीं हुई। अगर हम उनका नी ज्वाइंट चेक करें तो ये अब रिसेंटली इन्फेक्शन होता है। पहले ये बिल्कुल स्टैंडिंग में कोलैप्स कर चुका हुआ था, आपस में जुड़ चुका हुआ था, लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी टीयर एंड वियर थी, इसमें जो बेहतरी हमने पेशेंट को देनी थी वो ये थी कि इनका चलना फिरना आसान हो। ये पेशेंट सिर्फ दो स्टेप जो चढ़ने होते थे अपने घर के, वो भी एक लेग रख कर चढ़ती थी, आगे पीछे मूवमेंट नहीं देती थी। लेकिन आफ्टर माई ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी एंड बायोमैकेनिकल ट्रीटमेंट, नो कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट, जस्ट हमने मोबिलाइजेशन इन पेशेंट्स की और ये पेशेंट अब मेरी जो है ट्रेडमिल भी चला रही हैं, अपस्टेयर डाउनस्टेयर भी, लॉन्ग स्टैंडिंग। अब थोड़ा पेशेंट से हमें पूछें कि इनको क्या फायदा हुआ। क्या नाम आपका? मिसेस तलक। आपको क्या इश्यू था? घुटने में चला नहीं जाता था, दर्द होती थी, पांव आगे कुछ नहीं जाता था, यानी ना स्टेप्स चढ़ सकती थी घर में सीढ़ी का, और ना ही। कितना अरसा हो गया था इस चीज को? काफी देर हो गई है, तकरीबन 4-5 साल हो गए। टोटल आपको ट्रीटमेंट कितनी देर का लिया आप? तकरीबन टोटल 7-8 हफ्ते का। 7 to 8 weeks का बेसिकली ट्रीटमेंट है, क्योंकि दरमियान में ऑफ भी दिए, अल्टरनेटिव डेज पे भी मैं लेके आया। अब आपके सीढ़ियां चढ़ने में क्या दुश्वारियां हो? अब कोई दुश्वारी नहीं। अब नॉर्मल वे में चढ़ती हैं? हाँ जी, नॉर्मल चढ़ती हूँ, नॉर्मल उतरती हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है? पहले आपको खड़ा होने में भी इशू होता था, शायद आप लॉयर भी हैं? हाँ जी। और आपको उस वक्त जब आप कोर्ट में जाती थी तो खड़ा होने में क्या इशू था? तकलीफ होती थी, ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी, फौरन चेयर पे बैठती थी। और अब जब से आप ठीक हुई हैं तो केस सही कर रही है ना? अब तो ठीक ठाक। तो इट्स मीन बताने का मकसद ये है कि हर ट्रीटमेंट का अल्लाह के फजल करम से इलाज मौजूद है। जरूरी नहीं कि हम ऑपरेशन पे ही जाएं, कुछ जगह पे बहुत वजूहत बन जाती है नी रिप्लेसमेंट की। लेकिन अगर इस नी को देखें तो ये नी रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट है, इनको डॉक्टरों ने नी रिप्लेसमेंट भी कहा था। अब ये पेशेंट माशाल्लाह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल इजी गुजार रही है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो नी का, कमर का, नेक का, हमजा हॉस्पिटल एक ऐसा अदारा है जहाँ पे रिहेबिलिटेशन बहुत ज्यादा बेहतर की जाती है और मरीज अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम।